closed test is an exercise where a passage is provided to the aspirants in which certain words are missing. एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स मिस कर दिए जाते हैं, वो आपको बताना होता है. ये फिल इन द ब्लैंक से इसलिए अलग है बिकॉज फिल इन द ब्लैंक में एक सेंटेंस में जो एक ब्लैंक दिया होता है वो बस उसी को ही रेफर करता है, उसका और दूसरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं. पर क्लोज टेस्ट में पूरे पैसेज एक ही टोन में रन कर रहा होता है, तो उसमें जितने भी ब्लैंक्स होते हैं वो सारे को रिलेटेड होते हैं. So, it is a combination of fill-in-the-blanks and reading comprehension. To solve the closed test question, it is important to understand the flow and the context of the passage. अब हम देखेंगे कुछ tips and tricks कैसे solve करते हैं closed test को. First is, read the passage thoroughly. सबसे important है कि passage को पूरा पढ़ो, slowly एक full read दो. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि closed test पढ़ना start किया, कुछ एक line बाद एक blank आया, उसका option देखे और उसी को fill कर दिया. ये बहुत रॉन्ग है. हमें जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है एक बार उसको पूरा पढ़ना है, बिकॉज मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो ब्लैंक होगा उसका आंसर भी नीचे ही दिया होता है, तो हमें हिंट मिल जाएगा कि हमें उस ब्लैंक में क्या फिल करना है. सो टू गेट द आइडिया ऑफ द टॉपिक, टेक अ लुक एट द पैसेज, हाईलाइट द की वर्ड, ट्राई टू रीड स्लोली इन ऑर्डर टू गेट द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड. धीरे धीरे पढ़िए ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या लिखा है. Once the text theme is somewhat evident मतलब पता चलने लग जाए, known हो जाए, it will make your work simpler. Then you go on to think about the suitable phrases to match the described condition and fill in the blank. Second है, link the phrases together. जैसा हम passage में भी करते थे, this is a passage with phrases that are linked to each other. Do not make error of treating each phrase as individual and appropriately fill in the blank. फिल इन द ब्लैंक जैसा नहीं करना है कि एक लाइन पढ़ा और एक ब्लैंक को फिल कर दिया, ऐसा नहीं होता. इसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और रिस्पेक्टिवली सब ब्लैंक्स को फिल करना है. थर्ड है, फाइंड द वर्ड टाइप टू फिल हिम. कभी भी जो ये पैसेज दिया जाएगा क्लोज टेस्ट का, वो किसी एक टॉपिक पे बेस नहीं होगा, उसमें कुछ भी यूज हो सकता है. लाइक वो नाउन आ सकता है, वहाँ प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या आर्टिकल, किसी पे भी बेस्ड सारे मिक्स भी आ सकते हैं. तो आपको क्लोज टेस्ट में पता करना है कि उसका जो वर्ड टाइप जो उसमें फिट होना है वो क्या होगा. नेक्स्ट है, चेक आउट द टोन ऑफ द पैसेज. टोन हमने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था तब समझे थे कि पैसेज के टोन क्या क्या होते हैं. सो हमें इसमें भी पता करना है कि टोन क्या होता है पूरे पैसेज का. क्या वो नरेटिव है, या वो क्रिटिकल है, या सरकास्टिक है, या ह्यूमरस, या कुछ भी उसका टोन. तो टोन पता करने से हमें पता चलता है कि पैसेज पॉजिटिव सेंस में कहा जा रहा है, या नेगेटिव सेंस में, या न्यूट्रल बेस्ड पैसेज है. नेक्स्ट है, एलिमिनेट ऑप्शन. सो द ऑप्शन ऑफ डूइंग एंड द ऑप्शन ऑफ एलिमिनेटिंग वर्क हैंड इन हैंड टुगेदर इन दिस क्लोज टेस्ट टेक्निक. जब आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पांच ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप काफ़ी सारे एलिमिनेट करके ही हटा सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो आपको क्या ऑप्शन वहाँ पे रेलेवेंट फिट होगा वो पता चलेगा. सो वर्ड्स आर समटाइम्स सिमिलर, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्फ्यूज, ट्राई देम वन बाय वन एंड फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट फिट इन द स्पेसिफाइड फ्रेज. नेक्स्ट है, गो विद द स्पेसिफिक की वर्ड्स. Sometimes you are not able to decide between two words. In this situation, pay close attention to the specific words. क्या दिया गया है, उससे पहले क्या कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है. And the most important thing in the passage is skip for once and come back. अगर हम passage solve कर रहे हैं, मान लो एक paragraph दिया है जिसके अंदर 10 blanks दिए हैं. अब अगर जब आप उसको solve कर रहे हैं, आपने first blank कर लिया, सेकेंड कर लिया, थर्ड पर, फोर्थ में आपको नहीं पता चल रहा कि इन गिवन ऑप्शंस में से इसका क्या आंसर होगा, तो वो नहीं ज़रूरी है कि उस टाइम आप कुछ भी ऑप्शन उसमें टिक कर दें. आप उसको एक बार के लिए स्किप करके आगे पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, आगे के ब्लैंक्स फिल इन कर सकते हैं. तो जब आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, पैसेज का क्या है. फिर आप वापस उसी फोर्थ ब्लैंक पे आके उसको फिल कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज एनहेंस योर लैंग्वेज स्किल. ऑफकोर्स उसके बिना तो सब कुछ इनकम्प्लीट है. जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज पे काम करेंगे, अपने वोकैब पे काम करेंगे, ग्रामर पे काम करेंगे, उतना ही ईजिली आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे.